Hi guys, I hope you all are doing great. Welcome back to the channel. So it's been a month that I haven't uploaded any video, but here I am back again with a new video. So in this video, we are going to talk about how I got my first internship, what was my experience, what was my stipend, and how you can get your first internship. I will also tell you a few tips about how you can crack your first internship interview. So there is a lot. प्लीज़ एक डायरी या फिर कोई भी पेपर या पेन लेके बैठना एंड प्लीज़ नोट डाउन दी पॉइंटर्स दैट आई एम गोना टेल यू बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट हम ऐसे ही सुन के भूल जाते हैं. सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग हाउ आई गॉट माई इंटर्नशिप. सो इफ यू डोंट नो माई नेम इज़ जागृति. आई एम परसुइंग BBA फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR एंड इट इज़ मैंडेटरी लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ आर करिकुलम to do a summer internship for 45 days in our second year. So it was my motivation at that point of time because it was compulsory. It wasn't like I don't wanted to do an internship. Obviously I wanted to, but I had no idea how should I go about it, like from where I should apply for internship, do I have the required skill set or not, do I have the required skill set or not. But we had no option. We have to do it because we won't be eligible to get our degree or sit in placement. So yes, my summer vacation started in the month of May. I started applying for internship in the month of July and I applied almost in 30 companies, out of which I got reply from 6 to 8 companies, out of which only 4 to 5 companies were गुड. कंपनीज एंड स्टार्टअप्स एज वेल वर गुड. थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि मैंने अप्लाई कैसे किया. सो आई वॉज़ वेरी ओवरवेल्म कि मतलब कहाँ से अप्लाई करूँगी, मिलेगी भी इंटर्नशिप कि नहीं मिलेगी. सो टू सॉर्ट इट आउट आई टॉक्ड विद अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड सीनियर्स एज वेल. एंड लिंक्डइन का तो मुझे पता था दैट आई कैन अप्लाई थ्रू लिंक्डइन, बट आई डिडंट नो अबाउट दिस प्लेटफॉर्म कॉल इंटर्नशाला. एंड बात करके मुझे इंटर्नशाला के बारे में पता चला and I explored it and it is a really good platform because मैंने जितने भी internship के लिए apply किया out of which none of the internship vacancy was fake and I really appreciate this thing about this platform. Now let me just show you how you can find internship opportunities on internshala and LinkedIn. So right now we are at internshala. तो आपको जो ये internship वाला ऊपर जो option है इस पर click करना है. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे साइड में प्रेफरेंसेस आ जाएगा, आई मीन फिल्टर्स. तो प्रोफाइल में आपको जो भी प्रोफाइल चाहिए, लाइक फिनेंस में चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में चाहिए, एनालिटिक्स में चाहिए या डेटा से रिलेटेड कुछ में चाहिए, तो वो आप वहाँ पर मैंशन कर दो. आफ्टर दैट इट्स लोकेशन. सो आई वॉन्ट एन इंटर्नशिप इन दिल्ली, तो आई एम पुटिंग दिल्ली. द स्टाइपेंड दैट आई वॉन्ट इज़ बिटवीन 6K to 10K. सो हेयर यू कैन सी दैट 118 पार्ट टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्नशिप्स आर अवेलेबल इन दिल्ली. तो इसमें से किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं. लेट्स क्लिक ऑन दिस सोशल मीडिया मेंटर बॉक्स वाले इंटर्नशिप पर. तो ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे अगर आप ये इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो. एंड उसी के नीचे में आपको ये कॉलम मिलेगा स्किल्स रिक्वायर्ड. तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. आफ्टर दैट आपको कवर लेटर लिखना है, आपको बस एक ही बार लिखना पड़ेगा, बाकी मैं आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ऊपर में ऑप्शन आएगा, अगर आप इमीडिएटली अवेलेबल हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, येस आई एम अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, एंड देन यू जस्ट हैव टू सबमिट. इतना ही ईजी है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लिंक्डइन. So this is my profile. You can connect with me on LinkedIn as well. I do post like in a week or in a month, not that consistent. तो LinkedIn पे जाके सबसे पहले आपको जॉब वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड देन जहाँ पे लिखा है टाइटल स्किल और कंपनी, वहाँ पे आपको जिस भी फील्ड में आपको इंटर्नशिप चाहिए वो टाइप करना है एंड फिर आपके पास यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी. जैसे साइड में डिटेल में बता रखा है कि ये है मार्केटिंग इवेंट कोऑर्डिनेटर की इंटर्नशिप पोजीशन. यहाँ पे अब आपको अबाउट द जॉब दिखा रहा है एंड व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड देन आपको फिर क्लिक करना है यहाँ पे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इजी अप्लाई बटन. जैसे आप इजी अप्लाई बटन को क्लिक करते हो ये विंडो आपके सामने खुल जाती है इन विच यू हैव टू मैंशन योर डिटेल्स. नेक्स्ट में आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है एंड देन यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद सबमिट. Moving forward, I got an internship for 2 months in social media marketing and the stipend was pretty decent, I would say.
13 to 15K के बीच में था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. बट देर वॉज वन चैलेंज, जो ये मुझे इंटर्नशिप मिली थी इट वॉज इन गुड़गांव एंड आई लिव इन दिल्ली NCR, सो आई हैड टू ट्रैवल 2.5 hours डेली एंड 2.5 hours जाना, 2.5 hours आना, ऑलमोस्ट अराउंड 6 hours ऑफ ट्रैवल एंड इट वॉज रियली हैक्टिक. बट आई हैड अ मोटिवेशन ऑफ टेकिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज वेल एज द स्टाइपेंड, सो आई डिड इट एंड आई रियली एंजॉयड अ लॉट. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट हाउ यू कैन गेट योर इंटर्नशिप. फर्स्ट थिंग इज अ वेरी गुड रिज्यूमे इज क्रूशियल. आपको बहुत अच्छा सा अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा बिकॉज द फर्स्ट थिंग द एम्प्लॉयर चेक्स इज योर रिज्यूमे. वेन एवर यू अप्लाइड फॉर एनी इंटर्नशिप और एनी जॉब रोल, फर्स्ट यू हैव टू अपलोड योर रिज्यूमे. यू आर नॉट देयर टू सेल योर सेल्फ और टू टेल देम वॉट स्किल्स यू आर रिक्वायर्ड. वो चीज़ आपका रिज्यूमे करेगा. सो फॉर दैट आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है जिसमें आप जिस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स हैं वो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग द एम्प्लॉयर इज गोइंग टू चेक. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड पोजेस द रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर दैट जॉब पोजिशन और इंटर्नशिप यू आर अप्लाइंग फॉर. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मेरे पास तो ऐसे कोई स्किल्स है ही नहीं, तो क्या मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाऊँगा कर पाऊँगी. सो फॉर दैट फर्स्ट टेक वन स्टेप बैक. जो भी जॉब पोजीशन और इंटर्नशिप रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जाके इंटर्नशाला पे सर्च करो उस जॉब रोल के बारे में एंड उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो क्योंकि दीज आर दी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड बाई द एम्प्लॉयर. वर्क ऑन दो स्किल्स, 2 से 3 महीने लो उस स्किल को सीखो एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब पोजिशंस. Like if I give you my example, when I applied for content writing, तो वहाँ पर WordPress mention था जो कि मुझे नहीं आता था. But मेरा जो interview था वो थोड़ा late schedule था, like I had 2 to 3 days and I made sure कि मैं WordPress सीख लूँ क्योंकि बाकी का experience मेरे पास था as I do content writing for my own videos and I have done paid collaborations with big brands like physics wala. I'm not bragging but yeah. So ensure you develop those skills before applying for internship. क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग रिजेक्शंस फ्रॉम एवरीवेयर, दैट इज़ वेरी डिमोटिवेटिंग. टू सम अप द वीडियो हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप, यू नीड टू यूज़ 2 platforms विच आर इंटर्नशाला एंड लिंक्डइन. यहाँ पे जाओ अपने डोमेन में जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो सर्च करो एंड देन अप्लाई फॉर इट. बट बिफोर दैट यू हैव टू डिवेलप अ गुड रिज्यूमे एंड फॉर दैट यू नीड टू पोजेस दोज रिक्वायर्ड स्किल्स. So first, work on your skill set, develop a good resume, and then apply for the internship or job positions on LinkedIn and Internshala. I hope this video ne aapke kisi na kisi tarah se to help ki hogi. So give it a thumbs up and you can subscribe to my channel. On this channel, I will be uploading more videos. I will try to be consistent and I will share my experiences. And as I'm going through life, I'm figuring out things and whatever I learn, my purpose is to share all that information with you so that it can help you somewhere. And that's all for this video. I will see you in my next video. Till then, bye-bye. I hope aapne like and subscribe kar diya hai. Theek hai? I'm trusting you.